जी सलाम अलैकुम, मेरा नाम उमैर नासिर अली है और मैं नया फिल्म का डायरेक्टर हूँ। इस फिल्म की प्रोड्यूसर रुमीना उमैर और उमैर इरफानी हैं और इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स डेविड कैनी एंड मिसेस एग्नेस कैनी हैं। मेरी जो कंपनी है नम फिल्म्स, हमने एक इश्तराक किया है कैनीज फिल्म्स के साथ और ये हम दोनों की मुश्तरका काविश है। ये क्रिकेट पे फिल्म बनाने का मकसद जो है, इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि मैंने कैंपेन की थी ऊबर के लिए सना मीर के साथ। सो उसमें जो कुछ रिसर्च की थी हमने, जब और लड़कियों से बहुत सारी बातें की और उनसे इंटरव्यूज़ लिए, तो कैंपेन तो हो गई बाहर, लेकिन वो जो एक आइडिया था वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहा कि यार इससे कहीं ना कहीं कुछ कहानियाँ थी जो बन रही थी। और ये जो फिल्म है, इट्स नॉट जस्ट इस क्रिकेट के मुतालिक नहीं है, ये क्रिकेट से कहीं और बहुत सारी बातें जिसके अंदर की गई हैं। क्रिकेट मैच उसकी एक आप समझें बेस है या स्केलेटन कह सकते हैं, कहानी का बैकड्रॉप कह सकते हैं। इसके स्क्रीन पे राइटर्स अली अब्बास और बासित नकवी हैं, जिन्होंने इससे पहले लाल कबूतर और अभी रिसेंटली उनकी तेरी मेरी कहानियाँ में भी उन्होंने एक फिल्म शॉर्ट फिल्म की है। पूरी फिल्म के अंदर जो है कई सारे हमारे कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने काम किया, जिसमें शची हसन है जो कि हमारे DOP हैं इस फिल्म के, उमर काजी हैं जो कि सीनियर एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के 3rd AD में भी, और ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं फिल्म डिपार्टमेंट के, और इसके अलावा जो मेरी 2nd AD 1st AD और मेरे चीफ AD सारे इसी दौरान जो जाबेज़ एंड यूनिवर्सिटी एंड इंडस वैली। सो आप समझेंगे इट्स अ वेरी यंग ग्रुप जिसने मिलके हमारे सब क्रू में रहा पूरे टाइम और उन्होंने मिलके फिल्म बनाई है। सो इस कैरेक्टर को जब हम लोग कंसीव कर रहे थे, लिख रहे थे, जिस ज़माने में राइटिंग प्रोसेस था हमारा, तो उसमें कई नाम आ रहे थे कि कौन कर सकता है, लेकिन यमुना जैदी ने हमेशा बड़े ऐसे रोल्स किए हैं जो कि एफर्ट मांगते हैं, और इस रोल के लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि इसके अंदर आपको एक क्रिकेटिंग एक तो लड़की का कैरेक्टर प्ले करना है जो कि क्रिकेट खेलती हो, तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज चाहिए, आपको उसके साथ बातचीत कैसी है, माहौल कैसा है, उठने बैठने का तरीका, स्टाइल, तो ये कोई ऐसा ही अदाकार कर सकता था जो कि किरदार को मुकम्मल तौर पर स्टडी कर सके और उस माहौल को स्टडी कर सके और उसके अंदर बग़ैर किसी प्रेशर के और बग़ैर किसी चीज़ के वो कैसी दिखेंगी, कैसी लगेंगी, किस तरह की उनकी लुक्स होंगी, इन सारी चीज़ों को वो कहीं कतई नज़र रख के जो है वो सोचें इस बारे में। सो इस वजह से यमुना जैदी का हमने इंतखाब, तो यमुना ने इसके लिए बड़ी मेहनत की है, यमुना जैदी ने इसके लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक एफर्ट डाली। वो तो सबसे पहले तो एक ट्रेनिंग पीरियड था, हमने इनके लिए कोच अरेंज किया और हमने सबसे पहले जो है वो एक कोच के साथ जो है इनकी मीटिंग्स हुई, फिर हमने इनके साथ पूरा उस कोच का कोई 3-4 महीने का प्रोसेस था जिसके अंदर इनकी ट्रेनिंग होती रही। तो तनवीर टेंगो क्रिकेटर एक कोच हैं जो बड़े हमें बड़े अच्छे कोच मिल गए, तो हमने भी उनके साथ पूरा स्क्रिप्ट पहले उनको सुनाया था कि उस स्क्रिप्ट में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें कौन से एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना है, कौन से पे नहीं करना। सो इस तरह से उन्होंने 3-4 महीने की ट्रेनिंग की, और ये 3 महीने की डेडिकेटेड ट्रेनिंग थी जो कि फिल्म की शूट से पहले हमने की थी, और जब हमारी फिल्म की शूट स्टार्ट हुई और उसके बीच में जब हमारे सीक्वेंसेज होने थे क्रिकेटिंग के, तो उसके लिए फिर यमुना ने अलग से टाइम सीन से पहले रिहर्सल्स के लिए वो अलग से प्रैक्टिस करती हुई उसके लिए। फरियाल महमूद का एक कैमियो अपीयरेंस है फिल्म के अंदर और एक छोटा सा एक सीक्वेंस है जो कि आपको उसे ट्रेलर में भी आइडिया हो गया होगा कि एक शादी का एक सॉन्ग है जो उनके साथ हमने किया है, और वो जब किस वजह से है, किस पॉइंट पर है, वो कहां पर है कहानी में, वो जब आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिल्म 26 तारीख को रिलीज़ हो रही है तब तमाम पाकिस्तान में, इसके अलावा इसकी इंटरनेशनल रिलीज़ की भी तैयारी की जा रही है जिसकी डेट जल्द अनाउंस की जाएगी। पाकिस्तानी सिनेमाओं को इस वक्त ऐसी कहानियों की ज़रूरत है जो कि रिलेटेबल हो, जाके जिसमें जब लोग जाएँ तो उनको कुछ ऐसी चीज़ मिले जिससे वो किरदारों के साथ कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बना सकें, एक इमोशनल रिलेशनशिप बना सकें, और इन कहानियों में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि बिल्कुल नॉनसेंस ना हो। सो हमें कोई ऐसा मीडियम तलाश करना है, बीच बीच की कोई ऐसी राह तलाश करनी थी कहानी लिखते हुए, हम ये सोच रहे थे कि जो सेंसिबल भी हो, रिलेटेबल भी हो, जिसकी कमर्शियल वैल्यू भी हो और जो लोगों को उसको एंटरटेनमेंट के लिए भी उतना ही इन्जॉय कर सकें, लेकिन उसमें कोई बात भी की जा सके। सो इन तमाम चीज़ों को रखते हुए फिल्म को बनाया गया है और उम्मीद करते हैं कि जब आप देखेंगे तो आपके तमाम एलिमेंट्स उसमें कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आएंगे।